तो हे गाइस, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर वन चैनल रेशवा एकेडमी में, आपके अपने प्यारे से चैनल रेशवा एकेडमी में। तो कैसे हो आप सब, क्या हाल चाल, जल्दी से बताओ एक बार कमेंट करके। थोड़ी सी देरी हुई बट कोई बात नहीं। देखो स्टूडेंट्स, कहते हैं मंजिलें भी जिद्दी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम भी उससे कहीं ज्यादा जिद्दी हैं कि तुम्हें हम पाकर दिखाएंगे। मंजिलें भी जिद्दी हैं तो उससे कहीं ज्यादा हम जिद्दी हैं कि तुम्हें पाकर हम दिखाएंगे। तो गाइस, आज एक प्यारा सा सेशन चलने वाला है जिसमें आप सबको बहुत ढेर सारा मजा आने वाला है, ठीक है। और आप रियली में, मुझे लगता है पढ़ाई वही करनी चाहिए जिसमें मजा आए। बोरियत पढ़ाई से हमेशा बचनी चाहिए। आपको कितना हो कोई सस्ता पढ़ा दे, फ्री में पढ़ा दे, जब चला तुमको पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है तो उस फ्री चीजों की भी वैल्यू नहीं रहती है। और आपको अगर कोई बहुत ज्यादा पैसा लेके, थोड़ा पैसा लेके पढ़ा रहा है और आपको बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में, लग रहा है आप दिन इंतजार कर रहे हो सर कब आएंगे पढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। और ऐसी वैल्यू को हमेशा आपको फॉलो करना चाहिए और पढ़ना चाहिए वहीं पे जहां आपको मजा आए। हमारे यहाँ मजा आ रहा तो हमारे यहाँ बिंदास पढ़ो, नो डाउट, चाहे मैं कितना भी पैसा लूँ ना, तुम पढ़ो खरीद के, क्योंकि तुमको हमारे यहाँ सीखने को मिल रहा है तभी तो मजा आ रहा है। और जब मजा आ रहा है तुम 100% नहीं 200% दिमाग लगाओगे जो मैं काम दूंगा और जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वेरी गुड इवनिंग, आज की शाम को फिर से एकदम जलजला रहने वाले हैं आज की शाम में, तो एक बार शेयर कर दो सब लोग, हाँ, ताकि और भी मजा आ जाए। सर जी आप बेस्ट है, थैंक यू बाबू। नहीं नहीं बाबू, लेट कहाँ हुआ, थोड़ा अभी सेमेस्टर की क्लासेस चल रही थी इसके लिए लेट हो गया ना। ये क्या है, फुटबॉल खेलना है क्या, किसका है यार, ये किस खेल का है बताएगा कोई, ये किस खेल का है, एनीवन गाइस जो बता सके। मंजिले भी जिद्दी हैं तो हम भी तो जिद्दी है, तो चलो बेसिक सा एक मैं केमिस्ट्री जो है बेसबॉल का है सर, बेसबॉल है, बेसबॉल, अच्छा कैरम बोर्ड कौन कह रहा है जी, मखलूर कह रहा है कैरम बोर्ड है। देखो हमारे एग्जाम की बात करें पॉलिटेक्निक एग्जाम में, अगर बेसिकली मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में 100 क्वेश्चंस आते हैं, क्या 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो बड़ा महत्व हो जाता है। आपको लगता है बस मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, बट बड़ा महत्व हो जाता है केमिस्ट्री का। देखो इसमें 50 क्वेश्चन तो मैथमेटिक्स के आते हैं, अच्छी बात है, बट 50-25 क्वेश्चन आपके आते हैं फिजिक्स के भी, ठीक है, और यहाँ पे 25 क्वेश्चन आते हैं आपके केमिस्ट्री के। तो आप अगर 25 में 4 का गुणा कर दो तो 100 नंबर का यूपी पॉलिटेक्निक में केमिस्ट्री आता, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री आता है, ठीक है, 100 नंबर का केमिस्ट्री आता है। ये 25 को गुणा करो 100 नंबर का फिजिक्स आता है, 50 गुणे 4 यानी 200 नंबर का मैथ में, यानी मैथ भी 200 नंबर का और फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर भी 200 नंबर। इसमें भी 40+ चैप्टर है, इसमें भी 40+ चैप्टर है, तो बात तो इक्वल है ना। तो क्यों हम इसको छोड़ें, इसको पकड़ लें, इसको पकड़े उसको छोड़े, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, हमें इन सबको लेके चलना। मैथ भी हम पढ़ेंगे, फिजिक्स भी हम ही पढ़ेंगे। देखो भाई अगर मंजिलें जिद्दी है ना तो तुम्हें उससे ज्यादा जिद्दी बनना पड़ेगा कि मैं, मेरे पास इतना क्षमता है, इतनी कैपेसिटी है कि मैं मैथ भी पढ़ सकता हूं, फिजिक्स पे पढ़ सकता हूं, और आज ही डिसाइड कर लोगे ना मुझे कितना नंबर लाना है
मैं कहता हूं तुम्हारी पढ़ाई उसी हिसाब से चलेगी पूरे साल, ठीक है। आरडीएक्स बिल्कुल। तो बाबू ये जानो कि अभी अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हमें यूपी वालों के, मैं यूपी में 400 में 350 लाना है, तो तुम पढ़ाई भी उसी हिसाब से करोगे और अभी ये सेलेक्ट कर लोगे क्या करना, 400 में 150 लाना है तो बस इतना ही आएगा, ऐसे ज्यादा उम्मीद भी मत करना। और ये डिसाइड करोगे तो कम से कम 312, 315, 320, 325 के आसपास पहुंचोगे, 300 क्रॉस से रहोगे, क्योंकि तुमने गोल अभी से डिसाइड किया था। चलो ये रहा यूपी के बारे। और अगर हम बिहार में बात कर लें, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं बिहार के स्टूडेंट, तो यूपी का भी फॉर्म भरते हैं, तो दोनों का पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड वाले भी यूपी का पढ़ते हैं, तो दोनों पढ़ते हैं। बिहार में तुम्हारा 90 क्वेश्चन आता है, टोटल 90 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 90 क्वेश्चन में क्या होता है, 30 क्वेश्चन आपका होगा किसका, मैथ का, यहाँ पे सब इक्वल है, और 30 ही होगा फिजिक्स का, ठीक है, 30 ही होगा फिजिक्स का और 30 ही होगा केमिस्ट्री का। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो 5 × 9 = 45, 450, और 450 में 300 नंबर का सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है, अथवा लेवल का आता है केमिस्ट्री फिजिक्स, क्या थोड़ा सा लेवल का आता है, अच्छे लेवल का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का आता है इसमें, याद रखना। आयरन माई आयरन दादा करने लगोगे यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन देख लोगे तो, ठीक है ना। लेकिन इस बार हम उसी लेवल का पढ़ाने जा रहे हैं, नो डाउट है, ठीक है। कोई मेरा बोरा चुरा लिया विशाल सर जी, इस बार यूपी में रेशवा एकेडमी का नेम मैं भी फेमस करूंगा, बहुत बहुत थैंक यू बाबू, ठीक है। अब झारखंड में, झारखंड का भी हम पढ़ाते हैं इसलिए बताना जरूरी है, झारखंड में 150 क्वेश्चन आते हैं, और 150 क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं, 150 नंबर के होते हैं, ठीक है। और 50 को इसमें मैथ होगा, 50 को इसमें फिजिक्स होगा, 50 को इसमें केमिस्ट्री होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस बात को तैयार रखो, एक एक नंबर का होता है, यहां भी फिजिक्स केमिस्ट्री भी बाजी मारता है, मैथ तो है इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं मैथ इंपॉर्टेंट है, बट गाइस आप फिजिक्स केमिस्ट्री को भुला नहीं सकते हो, क्योंकि यहां पे इसने 100 नंबर कंटेंट कर रहा है, ठीक है। तो भुला ना सकेंगे तुझे भूल कर, गाने सुने हो राहुल कुमार को मैं ब्लॉक करता हूँ, एकदम बदतमीज लड़का है ये, ठीक है, एक राहुल कुमार लड़का है, इसको पता नहीं है क्या है, ठीक है, करना क्या है इसको कुछ नहीं पता है, बिना सिलेबस जाने ही पढ़ना चाहता है, तो हम नहीं इसको पढ़ा पाएंगे, हम बेसिक से ही पढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत तेजी नहीं है हमारे पास, 5 महीना है, उतना भी तुमको पढ़ा के हम एकदम ट्रेंड कर देंगे, ठीक है। बेवकूफ लड़के बकलोल कहीं का माथा खराब कर देंगे, ई का बता रहे हैं, अरे बकलोल तुमको पता है ज्यादा, कुछ ज्यादा ही पता है तुम्हें, तुम्हें लगता नहीं तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, तुम जाके भैंस चराओ, क्या पढ़ रहे हो जब तक तुमको पता है, बकलोल है और कुछ नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, केमिस्ट्री में हमारे कितने चैप्टर, 24 है, तो ये हम लोगों ने 2 महीना में निपट जाना है, ठीक है, 2 महीने में निपट जाना है। तो चलो कोई बात नहीं, आज हम बेसिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाएंगे, अल्फा बीटा और गामा का उत्सर्जन। चलो यहां से एक क्वेश्चन आता है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, अल्फा बीटा और गामा का उत्सर्जन, ये अट्रेंडम टॉपिक है जो कतई जहर है, इस जहर को आज हम लोग घोल के पी जाएंगे कि इन फ्यूचर में, ठीक है, जरूरत नहीं है। अच्छा पहला पॉइंट डालो, अल्फा इमिशन,
जैसे मैं बस इतना बताना चाहता हूं, इतना बताना चाहता हूं, अल्फा इमेशन मतलब अल्फा कण का उत्सर्जन, क्या अल्फा कण का उत्सर्जन, अल्फा कण का उत्सर्जन। देखो एक रेडिएक्टिव पदार्थ होता है, रेडिएक्टिव पदार्थ जिससे स्वतः अगर प्राकृतिक में रख दोगे ना, रेडिएक्टिव पदार्थ को स्वतः अगर प्राकृतिक में तुम रख दोगे तो अपने आप अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती है, क्या अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती है, ठीक है। तो जब निकलेंगी तो उसमें से उनके द्रव्यमान में कमजोरी आएगी, द्रव्यमान कम हो जाते हैं और साथ साथ उसके भार भी कुछ कम हो जाएंगे। लेकिन अगर अल्फा निकलेगा तो कितना कम होगा, बीटा निकलेगा तो कितना कम निकलेगा, और अगर गामा निकलता है तो कितना कम। आज सब लोग रेसवा एकेडमी लाइव सर्च कर लिया, कोई भी दिक्कत हो यूट्यूब पे, कोई भी दिक्कत हो आप लोग रेसवा एकेडमी शाम 7 बजे सुबह 7 बजे रेसवा एकेडमी लाइव लाइव अगर सर्च कर लोगे तो हमारी वीडियो अगर लाइव चलती रहेगी तो मिल जाएगी, ठीक है। हमारी वीडियो अगर लाइव चल रही है तो मिल जाए, अच्छा ओके पढ़ो कहीं से सिलेक्शन चला यहीं से। तो देखो अल्फा अगर निकलता है कोई भी चीज, ठीक है, जैसे मान लो 92U238 है, यूरेनियम है, दिख रहा है। ये यूरेनियम क्या है, यूरेनियम जैसे मान लो हीलियम होता है या हाइड्रोजन होता है 1H1, हीलियम होता है 2H4, ठीक है। तो ये आपका होता है ना, उसी प्रकार से ये यूरेनियम है, बस सिंपल सी बात है ये रेडियोएक्टिव है, क्या है सिंपल सी बात है यह रेडियो एक्टिव है, समझना चला चला, दिल लगाए कहीं और तो घबरा जाओगे। तो हम क्या करते हैं इससे अल्फा कण निकालेंगे, कितना गो एगो, डेफिनेशन मैं उसके बाद बताऊंगा, पहले मैं एक अल्फा कण निकाल लूंगा, पहले मैं एक अल्फा कण को माइनस कर रहा हूं। अगर यूरेनियम थोरियम प्लूटोनियम ये सब रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव नाम की तत्व है, ठीक है, इनसे अल्फा बीटा गामा निकलता है। तो सबसे पहले अल्फा किरण को मैं निकाल रहा हूं, एक अल्फा किरण, तो आपको मैं बताऊंगा अगर किसी भी रेडिएक्टिव तत्व से एक अल्फा किरण निकलती है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी, 92 से 90 हो गया। पॉइंट बी नोटेड माय स्टूडेंट्स, एक बार दबा के शेयर कर दो जरा, एक बार दबा के शेयर कर दो जरा, मजा आ जाएगा। मैं तो कहता हूं कि तुम कत्ते ही जहर हो जाएगा यार, हैं? क्यों ठीक है, अब देखना मजा आ जाएगा, 90 हो जाएगा बट गाइस, और ये परमाणु भार में 4 की कमी हो जाएगी, 234। अगर कोई तत्व तो ऐसे लिखा है यक्स अजेड वाई में, तो इसका मैं मतलब थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि आप यहां डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, ये आपका परमाणु भार, इस परमाणु का भार को हम परमाणु भार कहते हैं, ये इसका परमाणु भार हो गया। यक्स क्या है, ये इसका परमाणु क्रमांक, ये इसका परमाणु क्रमांक हो गया, ठीक है, ये इसका परमाणु भार और ये इसका परमाणु क्रमांक हो गया। तो ये ऊपर वाला क्या हुआ, परमाणु भार, नीचे वाला क्या हुआ, परमाणु क्रमांक। तो मैंने आपसे यही बोला कि परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी और परमाणु भार में -4 हो जाएगा, 4 की कमी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये बना रहा है थोरियम, बना रहा है थोरियम, बच क्या रहा है, अल्फा जो होता है हीलियम का नाभिक होता है, मतलब 2H4 निकल जा रहा है। यहां एक क्वेश्चन पूछता है अल्फा क्या है, तो लिखेंगे अल्फा जो कण होता है हीलियम, हीलियम, हीलियम का नाभिक होता है,
हीलियम का क्या होता है? नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक होता है, ठीक है, हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा जो कण है हीलियम का नाभिक होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, समझ गए होंगे, इतना समझे। तो बताओ अगर मैं एक अल्फा कण निकालता हूं तो हमारा परमाणु उस तत्व के परमाणु भार में चार की कमी होती है और परमाणु क्रमांक में दो की कमी होती है। चल अगर हम पांच गो अल्फा कण निकालेंगे तो कितना कमी होगा बताओ, पांच अल्फा कण निकालो बताओ कितना कमी, बस कमी बता दो मुझे, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है, बहुत मारेंगे रेशवा एकेडमी के लवर्स बताओ अच्छा चले ए बकलोल पढ़ लो गधे कही के पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा ना। दस, एक लड़का ने कहा हम यहां पर लिख रहा हूं, पहले ये बताओ परमाणु भार लिखा हूं एटॉमिक वेट, ठीक है, यहां पर परमाणु क्रमांक लिख रहा हूं, परमाणु क्रमांक लिख रहा हूं, ठीक है, ओके। देखो पांच गो अल्फा कण है तो परमाणु क्रमांक में अगर एक अल्फा कण निकल रहा तो दो की कमी होती थी, तो पांच गो है तो पांच गुणे दो यानी दस परमाणु क्रमांक कम हो जाएगा। परमाणु भार एक अल्फा कण से निकलने से चार की कमी होती है तो पांच गो निकल रहा तो पांच चौका बीस, तो ये आपका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर। मैं ऐसा सिखाऊंगा ना एकदम मजा आ जाएगा, एकदम जहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकदम जहर हो जाएगा। तो अब इसका डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें, इसका अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं अल्फा कण उत्सर्जन का, अल्फा इमिशंस का मैं लिखूं तो देखो अल्फा कण लिखो जरा, अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता, अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, अल्फा कण जो है हीलियम का नाभिक होता है, अल्फा कण जो है हीलियम का नाभिक होता है। इसके उत्सर्जन से इमिशन मतलब उत्सर्जन, इसके उत्सर्जन से याद रखना रेडियो एक्टिव तत्व के इसके उत्सर्जन से रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणु भार में चार इकाई की कमी, परमाणु भार में चार इकाई की कमी, चार इकाई की कमी तथा परमाणु क्रमांक में, तथा परमाणु क्रमांक में, परमाणु क्रमांक में, क्रमांक में दो इकाई की कमी हो जाती है, दो इकाई की कमी हो जाती है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, जैसे बेसिकली टीचर्स क्या करते हैं, मैं मतलब सब जानते हैं कि बेसिकली जब टीचर पहले डेफिनेशन लिखवाते हैं फिर आपको एग्जाम्पल, लेकिन मैं सोचता हूं मेरा थोड़ा सा नजरिया अलग है, मुझे लगता है अगर बच्चा को समझ में आ गया ना, बच्चा को अगर समझ में आ जाएगा तो एग्जाम में बवाल मचा देगा एकदम, कोई रोक नहीं पाएगा उसको, बवाल मचाने से कोई रोक नहीं पाएगा। कहते हैं अगर तुम्हारे माता पिता कुछ भी कहें तो उनसे कहना कि बापू थोड़ा वक्त दे मुझे, पानी में भी आग लगा दूंगा, और जो तेरे इस लाडले पे हंस रहे ना मां कसम उनको उनकी औकात दिखा दूंगा। तो ये सिर्फ लाइन तो नहीं है, ये मोटिवेशन नहीं है, ये आपके लाइफ के लिए लपीर होनी चाहिए कि जो हम तुम पे हंस रहा है उस पे उनकी औकात दिखाना है, ठीक है।
तो अल्फा करके मैंने डेफिनेशन लिख दिया। ओके नाभिक, नाभिक है यार, नमिक समझ रहा है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस, ठीक है स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा। ठीक है चलिए अगले पॉइंट, अगर बीटा कण की बात कर लें, बीटा इमिशन, बीटा इमिशन लिखो, इसके बाद अल्फा भी पढ़ेंगे बीटा इमिशन, आज मैं तीन ही टॉपिक पढ़ाने वाला अल्फा बीटा, ठीक है इंग्लिश में भी तो बता रहा हूं यार। अरे भैया आप कितना, यस सर जी, देखो यहां तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, पहली बात जानो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने का मतलब यह हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने का मतलब यह हो गया कि जब ऑब्जेक्टिव आएंगे तो आपको डेफिनेशन लिखना नहीं है, दिमाग में समझना है, क्या दिमाग में समझना है, इसका सिंबल बताओ कोई, एनीवन जो जानता हो, सिंबलिक फॉर्म में इसको 1E0 लिखते, सिंबलिक फॉर्म में 1E0 लिखते, मतलब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं यह बताने की कोशिश कर रहा है कि परमाणु क्रमांक में एक हम बढ़ जाएंगे, परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्या कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे 90 थोरियम अगर 234 है, क्या है 90 थोरियम 234 है, तो बताओ अगर मैं एक बीटा कण निकाल रहा हूं तो क्या बनेगा, एक मैं अगर बीटा कण निकाल रहा हूं तो क्या बनेगा, इससे जल्दी बताओ, एक मैं अगर बीटा कण निकाल रहा हूं तो क्या बनेगा, 90 थोरियम माइनस 1E0 निकल जाएगा, सही बात है, ये चीज तो निकल जाएगा साइड में, बचेगा क्या, बस इतना जानना मुझे। अरे भाई साहब 90 से एक बढ़ेगा 91 हो जाएगा, अब प्रोटेक्टेनियम मिल जाएगा हमें, 234 का 234 रहेगा, मतलब अगर साइड में लिखना चाहें हम तो ये लिख सकते हैं परमाणु भार में एटॉमिक वेट में, ठीक है नो चेंज, परमाणु भार में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हो, नो चेंज, परमाणु क्रमांक में, परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि, एक की वृद्धि हो जाएगी, परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाएगी। तो मुझे लगता है सभी बच्चा पार्टी को हमारे समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, आया कि नहीं समझ में, बताओ जल्दी से, आया ना, तो ये ऐसे होता है, अभी इसको जोड़ो ना 91 माइनस 1 90 ही आ जाएगा, यही मिल जाएगा हमें, यही मिल जाएगा, तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि बीटा कण को माइनस 1E0 से लिखते हैं, अतः यह इलेक्ट्रॉन है, इसके उत्सर्जन से रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई ध्यान देना पॉइंट भी नोटेड में स्टूडेंट, कोई परिवर्तन नहीं हो, चला देखो कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाती है, परमाणु क्रमांक में एक, बाबू इतना गजब का पढ़ाएंगे तुमको ना, एकदम देखते ही क्लियर हो जाएगा, देखते ही हर एक टॉपिक आपसे मात्र हम 299 लेते हैं, अब पूरे ईयर आपको पढ़ाते हैं, सोच लीजिए 299 में पूरे ईयर हम पढ़ाते हैं, परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाएगा, क्लियर।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट, गामा इमिशन, गामा इमिशंस की बात करेंगे, गामा इमिशंस की बात करेंगे, ठीक है। गामा इमिशंस में क्या होता है, देखो परमाणु भार में नो चेंज, परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं, नो एनसी नो चेंज, परमाणु क्रमांक में, परमाणु क्रमांक में नो चेंज, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे परमाणु भार हो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब वही रह जाती है। तो ये याद रखिएगा, ये हमारा हुआ अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये हुआ आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ रहा है, जल्दी बताइए। तो सिलेबस कब से स्टार्ट किया जाए, आप जैसा कहोगे। रेशवा एकेडमी के मोबाइल ऐप पे सिलेबस कब से स्टार्ट किया जाए बताइए, रेशवा एकेडमी के मोबाइल ऐप सिलेबस कब से स्टार्ट किया जाए, पॉलिटेक्निक 2022 का उस बैच का नाम है। जितने लोग अगर नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो वह सरकारी बैच 2022 में जुड़ जाए। क्या सरकारी बैच, सरकारी बैच 2022 में जुड़ जाए, सरकारी बैच 2022 में जुड़ जाए। क्योंकि अगर आप अभी जुड़ रहे हो, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू बाबू, अगर आप अभी जुड़ते हो तो जो कोर्स 599 का है वह आपको मात्र और मात्र 299 में मिल जाएगा, 50% डिस्काउंट से। मैं ये मानता हूं कि बहुत लोग 100 रुपए में पढ़ा देंगे, बहुत लोग 50 में पढ़ा देंगे, बहुत लोग फ्री में पढ़ा देंगे, तो आप ये डिसाइड करो कि आपको पढ़ना कैसा है, 100 रुपए वाला पढ़ना है, 50 रुपए वाला पढ़ना है, फ्री में पढ़ना है, ये आप डिसीजन लोगे। क्योंकि इसी बेस पे आपका रिजल्ट भी 5 महीने बाद निकलेगा, जो अभी पढ़ोगे वही रिजल्ट निकलेगा। तो हम तो 299 फीस लेते हैं, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। 100 रुपये पर सब्जेक्ट फीस है, 100 रुपये पर सब्जेक्ट फीस है। इस पे टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, हर संडे को प्राइज टेस्ट, ये सब फ्री है। हर संडे के होगा प्राइज टेस्ट, ध्यान रहे। इसमें 100 रुपये इनाम देंगे, जो स्टूडेंट टॉप करेगा उसको 100 रुपये इनाम दिया जाएगा हर संडे को, ठीक है, याद रखिए। तो आपका पैसा हम आप ही को दे देते हैं, आपका पैसा 1 नवंबर से, चलो बहुत अच्छी बात बोला है, आपका पैसा आप ही से स्टार्ट कर दे देते हैं। कोई भी दिक्कत होगा 9621-9484-25 पे कांटेक्ट करिए, या 9628-00-4708 पे कांटेक्ट करिए, ठीक है। तो बाबू आज के लिए इतना ही, थोड़ा मैं थक गया हूँ, ठीक है, फिर मैं कल पढ़ाऊंगा और भी मजे से। सुबह 7 बजे क्लासेस हैं, सब लोग दबा के लाइक कर दें, जो नहीं ज्वाइन हुए अभी जाओ भैया, लूट लो यार। तो 1 नवंबर से नया बैच का शुभारंभ होगा, मजा आ जाएगा, सरकारी बैच 2022। चेला तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है ना, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप कह रही विकास सर ने आज कैसा पढ़ाया, मैं ज्यादा प्रचार नहीं करता हूं, ठीक है, आप बताना कि कैसा पढ़ाया। थैंक यू, बाय बाय।